दोस्तों एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते पड़ गए। अब शिकारी कुत्ते पड़ गए तो बकरी डर के मारे भागने लगी। भागते 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 भागते, भागते वो एक अंगूर की बेल के पीछे छुप गई। वो शिकारी कुत्ते जो थे वो आगे निकल गए। तो बकरी निश्चिंत हो गई कि अब कुत्ते मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो छुप गई हूँ, मुझे वो देख नहीं सकते हैं। बकरी को भूख लगी थी, उसने धीरे धीरे क्या हुआ कि अंगूर के पत्ते खाने शुरू कर दिए। अंगूर के पत्ते खाते खाते वो अपने पैरों से लेकर सिर के ऊपर तक उसने अंगूर की बेल को खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, शिकारी कुत्तों ने जैसे ही उसको देखा, बकरी को झपट्टा मार के वहीं पर ही उसको खत्म कर दिया और मारकर खा। तो दोस्तों इस छोटी सी बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि जो हमें सहारा देते हैं, जो हमारी मुसीबत में रक्षा करते हैं, जो हमारे जीवनदायी हैं, अगर हम उसको भी नष्ट कर देते हैं तो नेचुरली हमारा जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। यही तो आज का मनुष्य कर रहा है, यही तो हम आज कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि हम नदियाँ, नाले, पेड़ पौधे, पहाड़ सबको नष्ट करते जा रहे हैं। कुछ तो देखो, जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और रही सही कसर क्या है, जो हमारे गांव से शहरों से बहुत दूर जंगल हैं उनको काट काट कर सड़कें बनाई जा रही है। हिली एरिया पर व्यवसायीकरण हो रहा है, होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा वहां जाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। तो हमें इस बात से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, जो ये पहाड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करती हैं, अगर हम ये पहाड़ काटते रहेंगे, पहाड़ों के ऊपर जो हमारी वनस्पति है अगर वो नष्ट हो जाएगी तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा और हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और प्रकृति के नज़दीक रहिए। जहाँ तक हो सके हमें प्रकृति को प्यार करना चाहिए। बाय बाय।